मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसोमित लाइव न्यूज। और आप सभी को परसोमित लाइव न्यूज में स्वागत है। और जिस तरह से आप सबको हम दिखाने का जो कार्य किए थे आप पीरू अनुमंडल में प्रणाम ग्राउंड में, इस तरह से भव्य जो कार्यक्रम हो रहा है श्री राम जानकी विवाह उत्सव के शुभ अवसर पर, सामूहिक विवाह की जो कार्यक्रम हो रहा है काफी आकर्षण का केंद्र रह रहा है। और आप सबको बता देना चाहते हैं काफी जितने भी लोग हैं वर वधु पक्ष से सभी लोग आए हुए हैं इस साइड में, और काफी जो यहाँ पर लगा भी हुआ है, यहाँ पर जो माड़ो होता है माड़ो भी सजा हुआ है यहाँ पर, इस तरह से हम दिखाने के जो काम कर रहे हैं। काफी सारे लोग आए हुए हैं और अब जानेंगे हम सर से, और दो मिनट सर दीजिएगा हमारे लिए। अभी ये अभी देख रहे हैं काफी सर अच्छा लग रहा है यहाँ पर जो कि वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर, इसके बारे में। हाँ, ये कार्यक्रम का भी शुरुआत हो रहा है और थोड़ी ही देर में जयमाल का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद जो वैवाहिक कार्यक्रम है यहाँ माड़ो लगा हुआ है और इसमें हम लोग वैवाहिक कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। पहले कभी हम लोग सोच नहीं थे कि इस तरह का जो कार्यक्रम है आप पीरू अनुमंडल में इस तरह से हो सकता है सर, लेकिन आप नहीं, इस तरह का हम लोग सोच रखे हुए हैं सोच करके, और ये कोशिश कर रहे हैं कि और इस जो भी इसमें कमी भी आए तो हम लोग उसको और सुधारा जाए। ये कार्यक्रम है, ये मतलब जो भी निर्धन परिवार है उनको ये नहीं लगे कि हमारी शादी मतलब जो है अच्छे से नहीं होगा। अब आप देखिए जयमाल, उसके बाद फिर हम लोग आगे। कितने जोड़े जुट चुके हैं अभी तक? लगभग 9 जोड़े हैं। 9 जोड़े हैं। 9 जोड़े। सर बहुत बहुत धन्यवाद, एक सलाम तो आपको भी बनता है। और देखिए इस तरह से हम जानकारी देने का जो काम कर रहे हैं काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और पहली बार पीरो की धरती पर यहाँ पर इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं। और यहाँ पर भी मौजूद है हमारे साथ बहुत सारे जो उद्घोषक, जो कि बहुत ही बेस्ट उद्घोषक जो कि माननीय रविरंजन जी हैं यहाँ पर, इनसे भी हम जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। सबसे पहले भी आपको परसोमित लाइव न्यूज में स्वागत है। परसोमित चैनल देखने वाले सभी को आप बहुत बहुत अभिनंदन है। ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम है और राजू पाठक जी ने पीरों की धरती पर जो शुरुआत की है इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, और पीरों के हर जनमानस के लिए ये बहुत अच्छा कदम है कि वो बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करें। गरीब बेटियों की शादी से पढ़कर दुनिया में कोई काम ही नहीं है। ऐसे शानदार काम के लिए जितनी प्रशंसा की जाए आयोजकों का वो कम है। कलाकार भी आए अपनी सहभागिता लेकर के, तो ये भोजपुर की माटी का सबसे शानदार कार्यक्रम, इसलिए आप भी आए हैं, आपका शुक्रिया। भोजन भी शानदार है, दान दक्षिणा जो दिया जाता है पूरा विधि विधान से सनातन परंपरा से माड़ो गाड़ करके ऐसी व्यवस्था की गई है, ऐसे हर लोगों को करना चाहिए। ऐसा कभी कार्यक्रम अभी अटेंड किए हैं कि नहीं आप? मैं किया था, मैं एक बार कार्यक्रम था जिसमें 151 अंधे और 151 अंधी बेटियों की शादी। अच्छा, अंधे बेटियों की शादी। हाँ, फिर इसके बाद ऐसे 5-7 कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में जो हुए थे उसमें मैं लगातार करते रहता हूँ। आप दूसरे जगह तो आप कार्यक्रम अटेंड किए थे, लेकिन खास आपके जहाँ पर आप निवासी हैं यहाँ पर इस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे आने वाले इस समय में भी? एक बड़ा अच्छा कदम है, और इस कदम से ये संकल्प सबको लेना है कि बेटियों की शादी जो है उसमें जितना सहयोग हो सके करना चाहिए। आप देख रहे हैं स्वतः कार्यक्रम चल रहा है, पीरों का जनमानस जहां तहां सब सहयोग में लगे हैं अपने से बैठ करके, ये तो उत्तम काम है ना। राजू जी का इसका बहुत बड़ा योगदान है, उनके साथ रहने वाले जितने लोग हैं सबने अच्छा काम किया, न्यूज पेपरों ने अच्छा काम किया। राजू जी जिस तरह से दानवीर हैं, इस तरह से जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या कहेंगे बहु बेटियों के लिए? अब हमारे समाज में जो भी जो भटकते हैं शादी के लिए या फिर दहेज के लिए, क्या कहेंगे उन बेटियों के लिए? राम जी के विवाह के उत्सव पे ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम जिस तरह से हुआ है, मैं कहूँगा कि जितने लोग हैं सब लोग को ऐसे काम का आयोजन करना चाहिए। जो पूंजीपति हैं उनको बहुत खर्चा करते हैं नाच ड्रामा पे, लेकिन वो इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करेंगे तो समाज में एक सही संकेत जाएगा। बहुत सारे कलाकार भी यहाँ पर आए हुए हैं, आप भी आए हुए हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है यहाँ पर। कलाकार सब अपनी सहभागिता दे रहे हैं, और जो वैवाहिक कार्यक्रम है उसमें गीत संगीत प्रमुख है, राम जी पर गीत गाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दो शब्द बेटी के लिए क्या कहेंगे बहु बेटी के लिए समाज में जो? बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां घर में पुरानी खिड़कियों को खोलती है, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है। धन्यवाद। और भी हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, कैसा लग रहा है सर माहौल? बहुत भव्य समारोह है, ये प्रोग्राम अपने जितने भी गरीब व्यक्ति है उनका विवाह सम्मिलित सभी लोग प्रोग्राम अच्छा दे रहे हैं। और भी हैं, कैसा माहौल कैसा लग रहा है, कैसा इस बार पहली बार पीरो भोजपुर में आप हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि पीरो भोजपुर में पहली बार हो रहा है, राजू सर के सहयोग से हो रहा है, बहुत अच्छा है।
आप भी जो गरीब गुरबा है हमारे समाज के जो बेटियां हैं, आप भटकना नहीं पड़ेगा इस तरह के कार्यक्रम। बहुत अच्छा है ये, गरीब रहित गरीब जो है बच्चा बच्ची उन लोगों का शादी हो रहा है, फ्री सेवा है और समाज के लिए बहुत बड़ा उपकार है जी। धन्यवाद। देखिए इस तरह से हम दिखाने का जो काम कर रहे हैं यहाँ पर पीरो मंडल में, पीरो भोजपुर के पड़ाव ग्राउंड में जो है काफ़ी भव्य जो कार्यक्रम है आयोजन हुआ है, और भी जो यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है काफ़ी, लगभग 9 से 10 जोड़े हैं शादी हो रहे हैं। क्या नाम है चाचा? राजीव सिंह। कैसा लग रहा है माहौल, कैसा है यहाँ पर जो शादी कार्यक्रम? बहुत बहुत अच्छा है विवाह के लिए। क्या कहेंगे अब तो हमारे समाज में जितने भी गरीब गुरबा के लोग बहु बेटियाँ होती हैं, शादी करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करना पड़ता है, अब इस तरह से हमारे समाज में कार्यक्रम हो रहे हैं अब तो उनको भटकना नहीं पड़ेगा ना? ना ना, बहुत 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 बढ़िया है, गरीब के लिए और सबसे अच्छा है मांग के देखते हुए जी। धन्यवाद चाचा। और देखिए हम दिखाने का जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो वहाँ पर व्यवस्था है सभी एक एक कमरे के तौर पर बनाया गया है और सभी लोगों को दे दिया गया है, और बगल में यहाँ पर जो माड़ो है माड़ो का जो बना सजाया गया है, और ठीक उसके बगल में जो कार्यक्रम रंगारंग जो कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पर सामूहिक विवाह में, बहुत सारे जो कलाकार हैं कलाकार भी आए हुए हैं और काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हम इस तरह से दिखाने का काम कर रहे हैं और हम जानेंगे यहाँ पर, और जो काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पर बैठ कर आनंद भी ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत ही खूबसूरत कार्य हो रहा है हमारे पीरों में, जिसमें हम सब लोग आज जितने भी कलाकार हैं सब लोग आमंत्रण पे हैं और प्रोग्राम हो रहा है, और इससे बड़ा क्या कर सकते हैं, इससे बड़ा शुभ काम क्या हो सकता है। आज यहाँ पे सैकड़ों शादियाँ होने वाली हैं और साथ में बहुत अच्छा गायक है मेरा भाई पंकज है, और हम लोग आए हैं और अब प्रोग्राम का आनंद लेंगे, और उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा अच्छा यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। दो शब्द बहु बेटियों के लिए हमारे समाज के। देखिए बहुत खुशी की बात है, आज यहाँ पे हम लोग अपने गाँव के तरफ प्रोग्राम है, इसमें हम लोग कुछ गाएंगे सुनाएंगे, उम्मीद करते हैं सभी लोग, बहुत सारे कलाकार आए हैं सभी लोग गाएंगे और बधाई देंगे। धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत दूसरे से दिखाने बहुत सारे जो कलाकार भी हैं, कैसा माहौल है? हम लोग तो कल बात किए थे लाइन में, बहुत सुंदर, जय जय श्री राम। विवाह उत्सव बहुत ही खूबसूरत बहुत सुंदर, पीरों के लिए गौरव की बात है। आयोजक करता राजू पाठक को सहृदय दिल से आभार, और बहुत ही सुंदर साथ में बाबा जी लोग हैं काफी, देखिए सभी बाबा जी लोग हैं शादी करवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ब्राह्मणों द्वारा एकदम विधि विवाह एकदम हिंदू रीति रिवाज सनातन संस्कृति द्वारा शादी कराई जाएगी, विधिवत जो होती है। बहुत ही सिंधी साथी पर सुमित लाइव न्यूज को मैं हार्दिक बधाई जी भैया, जो अपना कीमती समय निकाल कर आए यहाँ अपना, और समाज को आईना मीडिया होती है दिखाने का जो काम किया, बहुत बहुत बधाई अमित बाबू जी भैया। धन्यवाद। सभी बाबा लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है बाबा, कहाँ से आए हैं आप लोग, नाम बताइएगा? नाम बाबा बसंत कुमार मिश्र। कहाँ से आए हैं बाबा? ये केचुए से। कैसा लग रहा है यहाँ पर इस तरह से जो कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पर? बहुत सुंदर लग रहा बा, एगो हमनी के समाज में नया कीर्तिमान होके जा रहा बा, गरीब लड़कीन के शादी विवाह हो रहा बा, बड़ी खुशी के बात बा। जौन अंग्रेज के बेटा नाती बा ओकरा के हटावे की काम हो रहा बा, दहेज विरोधी काम हो रहा बा, दहेज विरोधी काम हो रहा बा, एकरा से हमनी के समाज में प्रगति बढ़ी सद्भावना बढ़ी, ये सब कार्यक्रम बहुत, हम राजू पाठक के बहुत बहुत धन्यवाद दे। बाबा क्या नाम है बाबा? सुशील मिश्रा। कहाँ साइल बने हुआ? केचुआ से सकला कर जी जी जी। सब सब माहौल लगा था जा, पीरो बहुत खुश बने जा, वही खाती हमने के आइल बने जा रही है शादी ब्याह करावे खाती, ताकि हर कोई के माने गरीब थी ये थी जो बात उन खत्म हो जाए, आ यही खाते हमने के कमेटी बुलैले बा वही संबंध में आइल बने जा, पाँचों छः सातों आदमी सब। बहुत बहुत धन्यवाद बा आप सबके। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बाबा? क्या कहूँ बाबा, इस तरह से जो कार्यक्रम हमनी के समाज में होते रहू तो बहुत सुंदर हो रहा है, सब सौहार्द प्रेम सब चीज के बहुत खुशी की बात है कि गरीब जनता के लिए विवाह सामूहिक रखा गया है, इसमें समझ जाए कि सभी जो भी गरीब हैं वो आकर के इसमें विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं, हम उसमें आए हैं विवाह कराने के लिए, हम लोग ब्राह्मण लोग आए हैं। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का अभी पीरो की धरती पर, और इस तरह से और कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और ये जो कार्यक्रम भी है कार्यक्रम भी इधर बगल में हो रहे हैं, और सभी लोग देख रहे हैं बैठ कर, जो माहौल है काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और भयावह माहौल है, काफ़ी
भव्य तरीके से जो सजाया गया है पीरों की धरती पर, पीरों की जो पड़ाव ग्राउंड है, पीरों के पड़ाव ग्राउंड को, और काफ़ी जो लोग हैं दूर दूर से लोग आए हुए हैं शादी, जो कि वर और वधु पक्ष से जो शादी करवाने के लिए, और हमारे समाज में इस तरह से जो कार्यक्रम हो रहे हैं काफ़ी सराहनीय हैं, और जो दहेज लेते हैं, दहेज देते हैं, और जो बाल विवाह जैसे जो है हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनके गालों पर एक तमाचा है इस कार्यक्रम पर, और इस तरह से दिखाने का जो कार्य कर रहे हैं। और कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, और आप देख रहे हैं परसमीत लाइव न्यूज़। थैंक यू, जय हिंद।